गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। टी शर्ट पूरा ना ऐसा मुचड़ा मुचड़ा सा हो गया यार। बैग में सामान रख के ना हो ही जाता है, मतलब इसका कुछ कर नहीं सकते, ये देख रहे हो। बाकी आज हमने मस्त पजामा एंड टी शर्ट डाला है, क्योंकि भाई वेदर जबरदस्त वेदर यार, जबरदस्त वेदर यहाँ पे ना। एक्चुअली एक वो सामने भी है और एक आगे भी है, मतलब तीन है ये, इसीलिए थोड़ा महंगा है। अभी ये सारा सामान पैक करते हैं। बैगवती ऊपर ही थी, बड़ी बैगवती नीचे थी, और एक जैकेट था, जैकेट डाल लेते बकर बाद में। और कल हमने दाल चावल मंगाया था, दाल चावल नहीं दाल रोटी मंगाया था, दाल बहुत टेस्टी था, खाना बहुत अच्छा था। अब यहाँ से फटाफट निकले, कितना टाइम हो रहा है फिलहाल, 11 बजने वाले यार। और आज पता है क्या है, आज है कीर्ति के नए सैलों की इनॉग्रेशन, और मैं उस चीज़ के लिए ना लेट हूँ। लेट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सुबह यहाँ से निकलना था अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे के आसपास, और अभी फिलहाल 11 बज रहे हैं। नींद ही नहीं खुली यार, कल मैंने अलार्म लगाया था, अलार्म बजा ही नहीं। मतलब मेरी गलती नहीं, अगर कीर्ति तू देख रही है यार, मेरी सीरियसली गलती नहीं है। मैं अलार्म लगा के सोया था, मैंने रात में बोला भी था कि मैं अलार्म लगा के सोऊंगा, और नींद ही नहीं खुली यार। अब मेरे को फटाक से यहाँ से लगेज डालना है, भैया को मैंने बुला लिया है, भैया आ रहे हैं, फटाक से लगेज डालना है, गाड़ी में बैठना और भाग लेना है। मतलब कोशिश पूरी यही करूँगा कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। नींद ही नहीं खुली भैया, नींद नहीं खुली। हंस दे, वो हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नींद नहीं खुली, कितना टेंशन हो रहा है मेरे को, हंस रहे हैं। भैया दो बैग है, एक बैग बताइए उसको धीरे से। भाई भूख मुझे बहुत तगड़ी लगी थी, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करने का मन था मेरा, लेकिन मैंने फिर सोचा आलू भुजिया पड़ा है वो भी तो खाना है, और फिर जल्दी जल्दी पहुंचना है यार। अपना जो टाइम है ना पहुंचने का, वो अपने को पहुंचना है 6 बजे तक। और अभी एक बार जीपीएस में टाइम डाल के देखते हैं कि कितने बजे का दिखा रहा है। लोकेशन तो मेरे पास आ गया था, लेकिन आज रेस अगेंस्ट द टाइम हो गया अपने साथ, बहुत गंदा वाला। अरे यार निकल जा साला, हाथ पूरा ड्राई हो गया है। क्या सोच रहे हो? चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। रास्ते में कुछ रुक के खाया जाएगा भाई। और आज है जी नवरात्रों का पहला दिन, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी हैप्पी नवरात्रे यार। माता रानी आपके सारे विशेष पूरी करें। चांद को बुला कर जिंदगी तू पर कभी रूठना। ये पहुंच गए जी हम धनौल्टी में, और यहाँ भी काफी गाड़ियां लगी है, क्योंकि भाई वीकेंड है ना, आज संडे है, तो यहाँ पे संडे को तो क्राउड होगा ही होगा भाई। यहाँ से बस निकल जाएं आज ना, जब आपको कहीं जल्दी पहुंचना होता है ना, ये देख लो भैया लगा हुआ जाम। जाम का कोई रीजन नहीं है, बट ये जो साइड में गाड़ियां लगी हुई है ना, इनके वजह से थोड़ा कंजेशन हो गया। अब ये बहुत लंबा तक है भाई, पूरा रोड ही ब्लॉक कर रखा है ना, एक साइड तो कोई बताने वाला भी नहीं है ना मेरे को। और ये सामने आपको बोनट पे दिख रहा है, ये कोई अपने भाई आए थे, तो उन्होंने, मैं सुबह सुबह देखा, एक भाई भी आए थे कल रात में, उनको पता चल गया था, रास्ते से जा रहे थे, उनको दिख गया था मेरी गाड़ी, तो वो रूम में मिलने आए थे, और ये कोई भाई थे, शायद वही थे या कोई अलग थे। भाई मंदिर है यहाँ पे, जय माता दी। और आज नवरात्रों का पहला दिन भी है ना, तो मे बी मंदिर की वजह से भी हो सकता है कि जैम हो। काफ़ी भीड़ है यार यहाँ तो, आई थिंक थोड़े आगे तक मिलना चाहिए, उसके बाद क्लियर हो जाना चाहिए। मसूरी से जो कानातल का रास्ता है ना, बहुत ज्यादा सीनिक है यार, बहुत ज्यादा, मतलब आपको ना पूरा वैली व्यू नजर आता है भाई। और तगड़ी हाइट है यार, तगड़ी हाइट है। मतलब यहाँ से ना, मैं तो खैर खिड़की से देख रहा हूँ, पता नहीं इसमें कैमरे में कितना समझ में आ रहा है, बट जब भी आप आओ ना मसूरी, आओ मसूरी, इज ओवर कमर्शलाइज यार। मतलब एक कमर्शलाइज होता है, एक ओवर कमर्शलाइज होता है, मतलब जबरदस्ती की भीड़ यार, बहुत ज्यादा भीड़। बट कनातल में ना वो आपको, अगर पीस सॉलिट्यूड अकेले या फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आ रहे हो, तो आई थिंक यू विल एंजॉय मोस्ट इन कनातल। प्लस यहाँ पे ना दिसंबर जनवरी में ना बर्फ भी पड़ती है कनातल में, क्योंकि हाइट भी ज्यादा है, ठंड भी अच्छी होती है, तो बर्फ के टाइम पे आओ यार, यहाँ पे मजा आ जाएगा। मैं प्लान करूंगा इस बार, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली प्लान करूंगा यार। इस बार तो लास्ट ईयर तो कहीं बर्फ पड़ी ही नहीं, मैं तो लद्दाख तक चला गया, साला बर्फ ही नहीं मिली यार। इस बार भगवान ना करे ऐसा हो, इस बार अपने को बर्फ में ड्राइव करनी ही करनी है भाई। अपन रुक गए फिलहाल यहाँ पे, मस्त ब्रेकफास्ट मैंने लोगों को खाते हुए देखा ना,
गाड़ी इधर नीचे लगा दी है और देखो क्या मस्त नज़ारे हैं जिसके बारे में बता रहा था। और यहाँ पे नेटवर्क भी ताबड़तोड़ है। बीच में ना इस वाले रास्ते से आए थे अपन, यहाँ से जाते हुए पता नहीं कहाँ गए थे, वहाँ पे ना नेटवर्क ही नहीं था, पूरे रास्ते नेटवर्क ही नहीं था। अब यहाँ पे नेटवर्क है, मस्त बैठेंगे। पूड़ी सब्ज़ी बोला है मैंने भैया को, पूड़ी सब्ज़ी खाएंगे। और हमारे अलावा भी फ़िलहाल कोई है नहीं। क्या आ गया जी अपना गर्म गर्म पूड़ी। या ज़बरदस्त लग रहा है ना। पूरे ट्रिप पे ना पूड़ी सब्ज़ी मिस किया था यार हमने। हमने कहा भाई आज पराठे नहीं, हर दिन से पराठे ही खा रहे थे, आज खाएंगे पूड़ी। सामने देख रहे हो, ये सामने ये रोड है, ठीक है। मतलब क्या मस्ती चढ़ाई है यार, बहुत ही मस्ती चढ़ाई भाई। कसम से यार इस रूट पे नेटवर्क ही नहीं है। मैं अज्जू भाई से बात कर रहा था भाई, मैं कह रहा था कि यार मेरे को भी ना 15 चाहिए लगता है, क्योंकि मैं इस बार आया ना, चलो वहाँ पे रहते तो उतना टेंशन नहीं रहता। अभी ट्रिप में क्या है ना कि अलग अलग गाड़ी से अलग एंगल आना चाहिए और जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा। ISO इतना ख़राब हो जा रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे चली। तो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। आईफोन वाले पता नहीं क्या ही कर रहे, जबकि मैंने तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं किया भाई। अपडेट कर लेता तो और बुरी हालत होती, फिर फ़ोन लैग करना स्टार्ट करता, कैमरा मतलब आवाज़ कैप्चर करना स्टॉप मतलब कम करता, मतलब वो हर एक के साथ हो रहा है यार, हर एक के साथ होता है। जैसे ही नया फ़ोन लॉन्च करते हैं ना एप्पल वाले, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अब एक बार आगे भाई नेटवर्क आ गया, फ़ोन करता हूँ ना पहले मैं भाई। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, बट अभी अपना अराइवल दिखा रहा है 8 बजे का। यहाँ से 7 घंटे लगेंगे, 315 किलोमीटर। और जिस हिसाब से जाम है ना, ये देख रहे हो, ये पूरा जाम है, मसूरी वाला पूरा रोड जाम है देहरादून तक का, मतलब बीच में जाम रहेगा ही रहेगा भाई। ये जो जाम है ना सिर्फ ऐसे लोगों के वैसे है, ये देखो घुसा दी अंदर गाड़ी और यहाँ पे सारे लोग ने एक दूसरे के अंदर गाड़ी घुसा दी है। अब कैसे निकलेगी गाड़ी भाई, सामने से बस है, सामने से हर एक चीज़ है, कैसे निकलेगी गाड़ी, निकल ही नहीं सकती है, पूरा जाम लगा पड़ा है। अब पूरा जाम लगा पड़ा है, देख रहे हो कैसे। हेलो जी, कैसे हो यूट्यूबर? मैंने देखी हुई आपकी काफी वीडियो। थैंक यू भाई। ये वही वाली स्कॉर्पियो है ना जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था इसका? स्कॉर्पियो लग रही है ये? सॉरी। गजब लड़ाई हो गया यार, ये देख रहे हो, ये उधर अंकल भी लड़ रहे हैं, सारे बाइक वाले भी घुस रहे हैं। ये सब एक गाड़ी के वजह से हुआ है, एक या दो गाड़ियों के वजह से, अदरवाइज ना ये पूरा इतना कभी जाम होता ही नहीं। ये सारा का सारा ना, ये जो पीछे गाड़ी है ना और पीछे गाड़ी है, उसके बाद ना लोग चाहते हैं कि लाइन में घुस जाए। मैंने तो बस वाले भैया को बोला आप चढ़ा दो यार, आपके पास तो बस है, वो भी उत्तराखंड परिवहन का। हमें यहाँ दिख गया कॉस्टा। 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए कॉफी पिए हुए। मैंने कहा एक कॉस्टा से तो कॉफी उठा ही लिया जाए यार, एक कॉफी तो बनती है गुरु। हाँ यहाँ से कुछ खा भी सकते, लेकिन वैसे भूख नहीं है। काफी सही चीजें हैं यार, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ, शायद ये नया खुला हुआ है। गाड़ी कहाँ लगाऊ, ये भी तो एक दिक्कत है जिंदगी में, गाड़ी भी तो एक दिक्कत है भाई। जस्ट इन केस अगर आप मसूरी से आ रहे हो और आपको कुछ खाना नहीं मिला तो यहाँ पे आ सकते हो भाई। यहाँ का वॉशरूम भी साफ था, मैं तो वॉशरूम भी यूज़ कर लिया और कॉफ़ी भी उठा ली। अब यहाँ से भग लो, अब यहाँ से कहीं रुकूंगा नहीं। मैं पहले सोच रहा था कि बीच में खतौली के पास रुकूंगा, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। अभी इसको खोलूँ कैसे यार। पता ही नहीं चला कि खतौली कब क्रॉस हुआ। जिस सूद से चल रहे हैं ना, मज़ा आ गया भाई। और देखो टाइम दिखाऊं कितना कम हो गया भाई, 4 घंटे दिखा रहा था, सिर्फ 2 घंटे बचे, 8:15 था, 1 घंटा कवर कर लिया। अब 7:13 पे पहुंच रहे हैं, बस एकदम सूद फाड़ के भाई, रोड एक नंबर यार। अब कहीं रुकूंगा, मेरे को बहुत तेज सुसू जाना है, बहुत ज़्यादा तेज। मैं स्पीड में चले गए, कॉफ़ी ना देहरादून में लिया था, देहरादून के बाद तो कहीं रुके ही नहीं। चलो भैया फटाफट पहुंच जाएंगे यार अपन टाइम पे। आज हमारी ना रेस अगेंस्ट द टाइम हो रहा है, अपना जो डेस्टिनेशन है 1 hour 28 minutes और अपन पहुंच जाएंगे 7 बजे तक। तो यहाँ पे ना टी शर्ट चेंज करने, क्योंकि वो टी शर्ट ना पूरा धूल धूल क्या हो गया था, मतलब अजीब सा हो गया था। मैंने कहा यार वहाँ पे किसी के इनॉग्रेशन में जा रहे, कम से कम ढंग का ऐसे तो पजामा ही पहना है मैंने, लेकिन ठीक है यार एटलीस्ट ब्लैक ब्लैक ना सही रहता है। अभी यहाँ से फटाक से भगते हैं, 1 घंटा
29 मिनट्स हो गया। दिल्ली में जाम होगा, डेफिनेटली जाम होगा नवरात्रों का टाइम, एंड देन आज संडे। कहाँ दिखा रहा था 8:15 और अपन 6:30 बजे, एग्जैक्ट 6:30 भी नहीं बजे, 2 मिनट बाकी है, दिल्ली ITO पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो ट्रैफिक मिल रहा है वो दिल्ली का मिल रहा है, अदरवाइज हाईवे सीरियसली यार बहुत ही ज़बरदस्त। भाई मैं तो समोसा भी खा लिया और अभी मनीष भाई का वेट कर रहे हैं, ठीक है अभी वो आते हैं, उसके बाद फिर भाई मेरे को तो ना, अरे एक जगह पार्किंग तो लग रही है, पार्किंग खाली है, देखते हैं भाई। मैं ना थोड़ा सा भीड़ गाड़ी लगा दूंगा भाई, मैं ना थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा दूर डरता हूँ भाई। हाँ ऐसे भीड़ में, बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे को ना थोड़ा सा डरा देती है यार, मैं डर जाता हूँ। एक बार मनीष भाई का वेट करते हैं यार, पहले लाइट ऑफ करते हैं ना। अभी भी चश्मा पहन रहे हो? अरे यार चश्मे वैसे पहन पड़ो, चटको पड़ो मैं। भाई हम फाइनली गाड़ी चेंज कर रहे हैं, बदमाश है ना यार, जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है ये। नहीं यार बस सही है यार, देखो प्यार भाई मैंने पता गूगल को 1.5 घंटे से बीट किया है आप। अरे वो तो हमेशा करते हो आप, स्पोर्ट्स मोड से नीचे चलती गाड़ी में आगे भाई। ओए, और कर रही है। भाई एक बार सबको थैंक यू भाई, भाई। काटना किस साइड से? विकास भाई निकाल ला तलवार सीधी पेट में मार दे, कर पेट में पता नहीं क्या यार। कीर्ति कांग्रेचुलेशन भैया, बहुत दूर से आए, 2-4 सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर से, 2 महीने के अंदर 2 महीने की ओपनिंग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यूट्यूब छोड़ के मुझे बिजनेस में आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा यूट्यूब पर। और जिसको नहीं बताया कीर्ति तो आज जली गई थी, जली गई थी, जल गई भाई, जल गई है लोगों की नजरों से, लोगों की नजरों से नहीं पूरा वो क्या वो हीलियम बोल दाने 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 भाई पूरा जल गई है। पटाखे फोड़ रही थी दिवाली नहीं यार, वो हीलियम के गुब्बारे पता नहीं किस चीज से अटके, अरे वो जो फायर चल रहा बाल बच गए इतनी टाट, अरे वो अंदर पड़ता बम, ये अपने ही सलाह में तेरा एक्सपेरिमेंट हो जाता। मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा बाल का एक्सपेरिमेंट हो जाता। देख लिया तेरे दोस्तों ने, देख लिया तुझने, भाई सुन देख लिया, ये तो खेलने के लिए है, छुप भी रहो। Hey, सुनो सुनो, हेलो वीडियो में, अरे यार बाद में लड़ना, पहले काम करना, पहले देखो भाई, मैं तो सेकंड में बात चेंज करता है। केक में पटाखा ना फूट जाए, पीछे बगली सिर्फ हन्नी आ गया है, केक में पटाखा नहीं, फैमिली आ रही है, बहुत दिल है मेरी फैमिली आ रही है, देखता हूं मम्मी तो बहुत दिल है। ओए सुन भाई, मैं 400 किलोमीटर दूर से ना इसके लिए आया हूँ, कीर्ति ने बोला कि गिफ्ट नहीं मिलेगा अगर नहीं आओगे, तो मैंने कहा अच्छा गिफ्ट तो आना पड़ेगा, तो ये देख लो फिलहाल टाइम 10 बज रहे और अब एक एक करके गाड़ी गाड़ी तक अपने जाएंगे, एंड देन
फिर वहां से सीधा घर। भाई शक्ल देख रहे हो कैसे उतर गई है, मैं सच्ची बता रहा हूँ सुबह से इतना थक गया ना यार, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का ड्राइव और जैम और पहाड़ों का ड्राइव, मतलब 350 किलोमीटर में पहाड़ भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा थे, मिला जुला के हालत बुरी हो गई है। बट या मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कीर्ति यार, आप लोग जैसे ना सब लोगों को सपोर्ट करते हो ना, वैसे सारे नए लोग जितने भी नए वेंचर में आ रहे हैं ना, बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप दिल्ली NCR में हो तो प्लीज़ अशोक विहार में हेयर पैलेस एक्स कीर्ति मेहरा सर्च करना, अशोक विहार Phase 1 में, एंड यहाँ आके आप सर्विसेज ज़रूर अवेल करना, ठीक है। बाल वाल जो भी कटवाने होंगे आपको, जो भी चीज़ें करनी होंगी यहाँ पे ज़रूर करना, ठीक है। एंड कीर्ति को सपोर्ट करना यार, बिना आपके सपोर्ट के हम सब लोग कुछ भी नहीं है यार, आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। बाकी कर देते इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। यहाँ से घर पहुँचने में मेरे को लग जाएंगे ऑलमोस्ट 1 घंटे, और उसके बाद मैं नहाऊंगा, एडिटिंग करूंगा, कब सोऊंगा, नवरात्रि स्टार्ट है, मैं नवरात्रों में क्यों आना ऑफिस चाहता था, बिकॉज ऑफिस में लोड ज़्यादा रहेगा, अभी बहुत सारे नई गाड़ियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें उन गाड़ियों पे होंगी, तो उन सब चीज़ों के लिए मेरा होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी टीम तो मैनेज कर ही रही है, इसी तरह प्यार देते रहो, इसी तरह सपोर्ट करते रहो, इसी तरह बस ऐसे ही, इतना ही। एंड माता रानी करे कि आप लोग जो भी दुआ कर रहे हो, जो भी प्रे कर रहे हो, सब चीज़ माता रानी आपको दे। चलो बाय।